हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग लेके आई हूँ अपना, और वो इसलिए क्योंकि ये डिमांडिंग ब्लॉग है, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि आज मुझे ब्लॉग कंटिन्यू करना चाहिए। तो आज हमारे स्कूल में है यूनिवर्सल कप, 13th यूनिवर्सल कप। तो आज हम अपना ब्लॉग मैं चालू कर रही हूँ वो इसलिए कि मैं थोड़ी सी मेमोरीज को कैप्चर कर सकूँ हमारे स्कूल की, और तो मैं आपको शो करती हूँ कि अभी कह रही हैं। ये बैलून्स फुलाए जा रहे हैं, ये सीनियर स्टूडेंट्स, और ये जिनका आपने पहले मेरे व्लॉग में सॉन्ग सुना होगा, तो ये बहुत अच्छी गायक हैं। बाकी वहाँ टीचर्स अपनी प्रिपरेशन में लगे हैं, बाहर कुछ टीचर्स हैं, तो हम लोग फ़िलहाल डेकोरेशन की तैयारी कर रहे हैं, और मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या होता है। सब सेल्फी बोर्ड पर तैयार हो चुका है हमारा, और सब सेल्फी लेने के लिए तैयार है। ये है हमारी मोस्ट सीनियर मैम, जो बिल्कुल सेल्फी देके पोज देके बैठी हुई है। इनको लग रहा है मैं इनका फोटो खींच रही हूँ, और बाकी यहाँ पे सारे स्कूल्स आ चुके हैं। ये हैं हमारे वाइस प्रिंसिपल सर, जो कि बिल्कुल अपने ब्लॉग में अपनी मेमोरीज कैप्चर कर रहे हैं, और हेड बॉय के साथ। ये हमारी जो है जो इधर इस मेगा इवेंट को सक्सेस करने जो हमारी टीम है, तो सुबह से लगे हैं, और अभी मेरे को सुबह शाम तक आपको इसे ऐसे दिखेंगे बेटा, नदर अपडेट आई विल कम अगेन। थैंक यू। और ये ओके मैम, थैंक यू बेटा। अभी सी कैसे शाम तक गए थे? थ्री क्वार्टर। तो मेरी टीम अच्छी है आपकी, है ना, इसके लिए दर्शाता कि आप वहाँ तक क्वार्टर देंगे, तो मीन्स यू आर हैविंग का पोटेंशियल। तो यहाँ भी विद दिस होप दैट विल डू समथिंग, है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज ऐसी नहीं लग रही, उसमें नहीं ज़्यादा वेट है। ये देखो, ये लोग भी सेल्फी पॉइंट का आनंद उठाते हुए, एल एम सर, योगेश सर, गौरव सर, यस दे आर इन्जॉइंग। जैसे हमारे ड्यूटी देते हुए सब बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं अपने अपने कामों पे। आज ओपनिंग की तैयारी चल रही है, आज ओपनिंग है 13th यूनिवर्सल कप की। यूनिवर्सल पेंटिंग है, ये बनाया है कनिष्का ने, क्लास 11th, और यहाँ पे सारे टीचर्स अपनी ड्यूटी पे हैं। फीस जो यूनिवर्सल कप जीतेगा, ये यूनिवर्सल कप विनर एंड दैट इज यूनिवर्सल कप रनर अप ट्रॉफी, और यहाँ पे सब तैयारियों पे लगे हुए हैं। ये हमारा दूसरा कोर्ट है, और यहाँ सारे स्कूल के बच्चे आ गए हैं, और ये फर्स्ट एड के लिए बैठे हैं दो टीचर्स इंचार्ज। आज के दो एंकर्स जो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सेट हो रखे हैं अपनी पोजीशन लेके। तो आपकी कैसी तैयारी चल रही है आज की? बहुत अच्छी है, बढ़िया। दे बोथ आर वेरी एक्साइटेड फॉर 13th यूनिवर्सल कप। तो अभी यूनिवर्सल कप की ओपनिंग नहीं हुई है, थोड़ी देर में ओपनिंग होने वाली है। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको दिखाया दूसरा वाला कोच जहाँ ओपनिंग होगी, और ये है हमारी कोच जो यहाँ। And the two girls, Savita and Ranjana, please report here. Our chief guest, sir, is on the gate, welcomed by our school managing director, principal ma'am, and the
another degree please. A warm welcome. Please give a huge round of applause to welcome our chief guest. Lamp lighting ceremony. It's a symbolic moment. The first match will be played in between Himalaya Vidya Mandir and Just Rodin Gurbachar in court number 1. And court number 2, the first match will be in between SN Public School and St. Lawrence. Our chief guest sir is here giving the warm wishes, all the best to the teams. तो जैसे कि सीनियर बॉयज का मैच स्टार्ट हो चुका है, उनकी ओपनिंग हो चुकी है और गर्ल्स को में अभी तैयारी चल रही है. Get ready for the match. So these students are at public school. They are preparing their scoreboards. So the first match is between Inspiration Scholars Academy Chadal. It is a pleasure to introduce our chief guest sir, IPS Mr. Pranav Narayan Meena sir, who has graciously accepted our invitation to join us today. Sir, your presence is greatly appreciated and we are honored to have you us. In the court for the match. सो फ्रेंड्स, हमारा पहला मैच जीत चुके हैं सी साई पब्लिक स्कूल और चाय आ चुकी है जो कि मैं नहीं पीता हूँ. मेरे हिस्से की चाय, मेरे हिस्से की चाय ले रखी है मैम ने. इनके हिस्से की चाय वो गिरेगी फोन के ऊपर, इसके ऊपर गिरा. और आप देख सकते हो दर्शक वहाँ छत से देखे हुए हैं बहुत सारे. तो अब हमारे सामने नेक्स्ट टीम निमोनिक पब्लिक स्कूल. ये है निमोनिक
पब्लिक स्कूल और ये एवरग्रीन पब्लिक स्कूल। यहाँ पे हमारे सिंगर आयुष सिंह मेहता भी आ रहे हैं, पर थोड़े से नाराज, गर्मी से परेशान। दूसरा माइक का है सर्विस बाय निमोनिक, काफी अच्छी सर्विस आपने निमोनिक द्वारा। बच्चे बहुत थक चुके हैं सोते हुए। यहाँ पे काफी अच्छी लीग द्वारा सी साई के द्वारा जीता गया, और दूसरा मैच तो एवरग्रीन ने एकदम हवा हवा में निकाल दिया। आज जिस जोश के संग एवरग्रीन खेलने आई है, ऐसा लग रहा है कि एवरग्रीन यूनिवर्सल कप ले जा सकती है। लेकिन एवरग्रीन को ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारी यूनिवर्सल की टीम भी अभी है यहाँ पे, जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करी है। हो गया, चलो चलो बढ़िया बढ़िया थोड़ी सी चूक होती हुई यहाँ पर, बॉल को संभाल नहीं पाए, प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। गुरुकुल ने फेंकी है पार बॉल, पंकज भाई का अच्छा उठाना, उठाई है बॉल और यूनिवर्सल का बढ़िया प्रदर्शन, और गुरुकुल का भी पार कर दी है बॉल। बॉल जमीन पर लगने नहीं दे रहे हैं दोनों टीम के खिलाड़ी। ओहो जरा से फिर से मैच शुरू होता हुआ, वाह क्या इस मैच का, लेकिन नेट हो गया और पॉइंट गया है गुरुकुल के खाते में, स्कोर हो गया है 7-8। बड़ा ही टक्कर का मुकाबला हो रहा है, अब तो करने पड़ेगा, क्या कर रहे हो, हल्की सी चूक और पॉइंट गया है गुरुकुल के खाते में। यूनिवर्सल के खाते में एक और पॉइंट, नाइस सर्व दिया जा रहा है अनुभव के द्वारा, जिन्होंने इनका चश्मा चुना।
तो
हिंदी पेपर ऑफ यूनिवर्सल छतों में हमारे साथ काफी सारे दर्शक जुड़ गए हैं। चार दो के साथ यूनिवर्सल हमारे साथ काफी दर्शक अपने सरों से दिखते हैं यूनिवर्सल का देखने के लिए। सात दो यूनिवर्सल तीन अंकों की जीत के साथ मुझ भी हंस रही है अपने उनको देख के बच्चों कल ना इन्होंने हराया है इनको बास्केटबॉल में फाइनल में लास्ट आज बदला निकाल रहे हैं यूनिवर्सल वाले अंदर गया था वैसे बोल इंस्पिरेशन पब्लिक स्कूल रिवर्सल चार मैच नहीं होंगे ना क्यों सर अभी कुछ कंफर्म नहीं है तो ये गर्ल्स यूनिवर्सल टीम जीतते हुए और बॉयज यूनिवर्सल टीम भी जीतते हुए बहुत शानदार मैच खेल के यूनिवर्सल टीम।